एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हमें कब बोलना चाहिए टेक समथिंग या समवन विद अ पिंच ऑफ साल्ट। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। टेक समथिंग या समवन विद अ पिंच ऑफ साल्ट का मतलब होता है किसी इंसान पर या किसी चीज पर पूरी तरीके से भरोसा न करना, यानी किसी इंसान पर पूरी तरीके से यकीन न करना। जैसे अक्सर आपको आपके डेली लाइफ में ऐसा होता होगा, कोई इंसान जो हमेशा झूठ बोलता है, यानी कोई एक ऐसा इंसान जो अक्सर झूठ बोलता है, और अगर वो कभी सच बात भी बोले तो लोग उस पर पूरी तरीके से यकीन नहीं करते हैं, यानी भरोसा नहीं करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं किसी पर पूरी तरीके से यकीन न करना या किसी चीज पर पूरी तरीके से भरोसा न करना को बोलने के लिए आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो अगर तुम हमेशा झूठ बोलोगे तो लोग तुम पर पूरी तरीके से यकीन नहीं करेंगे या लोग तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा नहीं करेंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ यू टेल अ लाई पीपल विल टेक यू विद अ पिंच ऑफ साल्ट, यानी अगर तुम झूठ बोलोगे तो लोग पूरी तरीके से तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में मैंने लिखा है विल टेक यू विद अ पिंच ऑफ साल्ट, यानी पूरी तरीके से यकीन नहीं करेंगे या भरोसा नहीं करेंगे। अगर आपको कहना हो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी बातों पर पूरी तरीके से यकीन नहीं करता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ आई वर यू, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता आई वुड टेक हिज एडवाइस विद अ पिंच ऑफ साल्ट, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी सलाह पर यानी सुझाव पर पूरा यकीन नहीं करता। अगर आपको कहना हो आपको उस पर पूरी तरीके से यकीन नहीं करना चाहिए या आपको उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू शुड टेक हर विद अ पिंच ऑफ साल्ट, यानी आपको उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए या यकीन नहीं करना चाहिए। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि हो सकता है आप सोच रहे हो कि मेरे सेंटेंस में आ रहा है नहीं, लेकिन उसके लिए मैंने कहीं भी नॉट का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा इस टॉपिक का सेंस नेगेटिव है, यहाँ पर अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, यानी इस टॉपिक का मीनिंग ही है किसी पर पूरी तरीके से भरोसा न करना या पूरा यकीन न करना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ आप कहें किसी पर पूरा यकीन न करना या किसी इंसान पर पूरा भरोसा न करना को बोलने के लिए आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ करके दिखाया। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस सेंटेंस में आया टेक मेन वर्ब का काम करता है, यानी अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप टेक का प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप टेक का सेकेंड फॉर्म टुक का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपका सेंटेंस रहा रही में है तो आप आईएनजी फॉर्म यानी टेकिंग का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कहने का मतलब है इस टॉपिक का इस्तेमाल आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको टेंस पता है क्योंकि हम लोग टेंस वाला लेसन पहले ही सीख चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।